I'm sorry for leaving you in a spot where there was no one to speak. Today's study is going to be in Daniel chapter 9. This is the last study that we'll do on Daniel, and we're going to examine his prayer on behalf of the people of God. और सभी लोगों को संध्याकालीन नमस्कार. मैं माफी चाहता हूं कि बुधवार को जो है मैं क्लास नहीं ले पाया. और आज हम लोग जो है दानियल का पुस्तक उसका नौवा अध्याय में हम लोग अध्ययन करेंगे और दानियल के विषय में आज हमारी आखिरी अध्ययन होने वाली है. Now the purpose of these character studies that we're doing together is not to delve into doctrine or prophecy in any great depth, but because the answer to the prayer is one that is specifically prophecy, we will touch on it. That is the 70 weeks of Daniel today. और जैसे कि हम लोग काफी दिनों से हम अध्ययन करते हुए आ रहे थे और जो स्वाभाविक अध्ययन बा जो है व्यक्ति विशेष के अध्ययन हम लोग करते हुए आ रहे हैं, आज का अध्ययन जो है हमारी अध्ययन कोई सैद्धांतिक शिक्षा के ऊपर नहीं बल्कि या ना तो फिर जो है भविष्यवाणी के ऊपर है, लेकिन नौवा अध्याय को जब हम अध्ययन करते हैं तो थोड़ा बहुत जो दानियल के 70 सप्ताह के विषय में हम अध्ययन करेंगे. I have to say, Deepu, that's a very nice picture of your baby there on the screen. All right, let's go to Daniel chapter 9 and let's read for the first two verses, please, for now. आइए हम लोग वर्तमान में दानियल का पुस्तक उसका नौवा अध्याय पहला और दूसरा पद को हम लोग पढ़ लेते हैं. मादी खेर्स का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी. Sorry about that. Okay, so here we have a prophecy that Daniel is reading. और यहाँ पर भविष्यवाणी को देखते हैं, जिस भविष्यवाणी में जो है दानियल उस भविष्यवाणी को पढ़ रहा है. We have here a nice principle. We see that Daniel is familiar with the other prophets of his age, and he is studying their writings. और हम लोग क्या देख सकते हैं? दानियल के विषय में देखते हैं, दानियल जो है दूसरे जो भविष्यवक्ता है और उनकी जो लेखन है उसके विषय में बहुत सुपरिचित है और उनकी लेख को वो पढ़ रहा है. We see a similar reference in the New Testament where Peter refers to some of the writings of Paul as being hard to understand. और ऐसे ही लेख जो है उसके विषय में हम लोग देखते हैं नया नियम में पत्रस कहता है कि पौलस का लेख बा जो लिखी हुई चीज समझने में बहुत ही ज्यादा कठिन है. I just want to make the comment here that although there were people who were followers of God for millennia before there was any written word, this verse shows to us the importance of reading God's word. और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं जो भविष्यवक्ताओं के विषय में यदि देखा जाए तो करीबन 1000 वर्ष के पहले जो है वचन ज्यादा प्रचलित नहीं था, ज्यादा लिखा हुआ नहीं था, लेकिन वहां पर हम लोगों को देखते हैं कि परमेश्वर का वचन को वे लोग जितना था उतने को बा उन वचनों को भी लोग पढ़ा करते थे. Now let's go to this prophecy and let's read what Daniel read so that we can understand what he was convicted of in Jeremiah chapter 25. और आइए हम लोग इस भविष्यवाणी को देख लेते हैं जब दानियल इस भविष्यवाणी को पढ़ता है और कौन सी ऐसी बात है जो इस बात को वो कबूल लेता है, मान लेता है जो यिर्मयाह का पुस्तक उसका 25वां अध्याय में लिखा हुआ था. So in Jeremiah chapter 25, let's read verses 8 through 14. और आइए यिर्मयाह का पुस्तक उसका 25वां अध्याय 8वां पद से लेकर के 14वां पद तक हम लोग पढ़ लेते हैं. इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है,
कि तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने दास बाबुल के राजा नबूकदनेश्वर को बुलवा भेजूंगा और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध, इसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा और इन सब देशों को मैं सत्यानाश करके उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे, वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की यही वाणी है। और मैं ऐसा करूंगा कि इनमें न तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा और ना दूल्हे व दुल्हन और ना चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा और ना इनमें दिया जलेगा। सारी जातियों का यह देश उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बाबुल के राजा के अधीन रहेंगी। जब 70 वर्ष बीत चुके तब मैं बाबुल के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों अधर्म का दंड दूंगा। यहोवा की यह वाणी है। और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। मैं उस देश में अपने वे सब वचन पूरे करूंगा जो मैंने उसके विषय में कहे हैं और जितने वचन यिर्मयाह ने सारी जातियों के विरुद्ध भविष्यवाणी कर चुके पुस्तक में लिखे हैं, क्योंकि बहुत सी जातियों के लोग और बड़े बड़े राजा भी उनसे अपनी सेवा कराएंगे और मैं उनको उनकी करनी का फल भुगताऊंगा। Okay. Let's also go to Jeremiah chapter 29. आइए हम लोग जो है यिर्मयाह का पुस्तक उसका 29वां अध्याय की ओर चलते हैं। Let's read first of all verse let's read verse 1. आइए पहला पद को पढ़ेंगे। उसी वर्ष यिर्मयाह नबी ने इस आशय की पत्री उन पुरनियों और भविष्यवक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी जो बंधुओं में से बचे हुए थे, जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से बाबुल को ले गया था। Now let's also read verse let's read verse 4 through चार पद से 14 पद तक भी पढ़ेंगे। उसमें लिखा था कि जितने लोगों को मैंने यरूशलेम के बंधुआ करके बाबुल में पहुंचवाया दिया, उन सबों ने इसराइल का परमेश्वर सेनाओं की यहोवा को यूं कहता है, ये हे घर बनाकर उनमें बस जाओ, बारियां लगाकर उनके फल खाओ, ब्याह करके बेटे बेटियों का जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियों और पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं और वहां घंटों नहीं वरन बढ़ते जाओ। परंतु जिस नगर मैंने तुमको बंधुआ करा के भेज दिया है उनके कुशल का यत्न किया करो और उनके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमको यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वे तुमको बहकाने ना पाएंगे और जो स्वप्न से वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको छोटी भविष्यवाणियां सुनाते हैं, मैंने उन्हें नहीं भेजा, मुझ यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यूं कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मनभावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकार मुझसे
आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की है वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुम को उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको बरबस निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, और जहां से मैंने तुम्हें बदुआ करवा के निकाल दिया था, यहोवा की यही वाणी है। Okay, thank you, Brother Gabar. So here we have the prophecies that Daniel has been reading concerning the exile of the people of Judah into Babylon. और यहाँ पर एक भविष्यवाणी ये है कि दानियल जिस भविष्यवाणी को पढ़ रहा था, जहाँ पर ये लिखा गया था कि यहूदा जो देश है वो बाबिलोन में बंधवाई हो करके वो जाएगा। Now I want you to notice that in Jeremiah chapter 25 the judgment that is pronounced is not pronounced only upon the kingdom of Judah, but it is also pronounced upon the nations that surround it. और जो है यदि यिर्मयाह का पुस्तक उसका 25वां अध्याय को आप यदि अध्ययन करेंगे तो यहूदा के ऊपर ही परमेश्वर का न्याय और दंड जो है घोषित किया गया उतना नहीं, बल्कि यहूदा के चारों ओर जो देश बसा हुआ है उन देशों के ऊपर भी परमेश्वर का न्याय और दंड घोषित किया गया था। And God says specifically that he is going to devote all of the nations, that entire area, to destruction, to make them a horror. और हम लोग क्या देख सकते हैं, परमेश्वर ये न्याय घोषित करता है कि जो है जो देश और आसपास के देश को, पूरी देशों को, उन आसपास के इलाकों को परमेश्वर का दंड जो है उनके ऊपर आकर के पड़ने वाली है। But at the end of this, God says he's going to judge the nation of Babylon as well. और आखिर में हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहूदा को ही नहीं बल्कि बाबिलोन को जो है बाबुल देश को भी परमेश्वर न्याय करने वाला है। And so he says, after 70 years are completed, I'm going to punish them for their own iniquity. और हम लोग क्या देख सकते हैं, जब 70 वर्ष पूरी जब हो जाती है तो उनके पाप के कारण जो है मैं उनको दंड देने वाला हूं। Now in this chapter we don't see a promise about the rest of the nation of Judah we don't yet see the promise of restoration to the nation of Judah. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो है इस अध्याय में या यहूदा को परमेश्वर जो है पुनरुद्धार करेगा, इसके विषय में कोई भविष्यवाणी हम लोग नहीं देख सकते। But there is an implicit promise that the nations that will be taken into captivity will serve only 70 years. और लेकिन इस वाचा को जो भविष्यवाणी को हम लोग देख सकते हैं, जिन देशों को गुलाम बना करके ले लिया जाएगा, बंधुआई बना करके ले लिया जाएगा, वे लोग जो है 70 वर्ष तक गुलामी करेंगे। Now in the case of the other nations, their service of 70 years ended for Babylon but began with the Medo-Persian Empire. और क्या हुआ है ना, जो है यहूदा के साथ दूसरे देश के लोग जब गुलाम होकर के वे लोग बाबिलोन में गए थे, बाबिलोन का शासन खत्म होने के बाद जो है यहूदा तो स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन बाकी जो देश थे उनका गुलामी मेदे परिशिया के साथ जो है पारस के राजा के गुलाम में वे लोग आ गए थे। In verse 29 of Jeremiah, we see that God is promising at the end of 70 years that he will bring Judah back to the place that they came from, back to the city of Jerusalem. और यदि हम लोग जो है 29वां अध्याय उसका 25वीं आयत को हम लोग यदि देखते हैं तो परमेश्वर जो है फिर से वापस यहूदा को यरूशलेम की ओर ले आएगा, इस वाचा को हम लोग देख सकते हैं।
And so the Lord is speaking to his people in Jeremiah 29, and he's warning them that their stay in Babylon is going to be long. और जो है हम लोग क्या देख सकते हैं 29वां अध्याय में जो बाबिलोन में वे लोग जो रहने वाले हैं उनका वहां पर रुकना काफी लंबी समय तक होने वाली है. He's essentially telling them, get comfortable. Don't expect for your deliverance to happen anytime soon. You're going to be here 70 years. और इस बात को जो है यिर्मयाह इस बात को बताते हैं कि ये मत सोचना कि तुम्हारा उद्धार बहुत जल्दी हो जाएगी. ऐसा नहीं है, तुम्हें काफी साल तक वहां पर रुकना होगा, करीबन 70 साल आपको जो है वहीं पर रुकना होगा, इसीलिए अपने आप को आप सब तैयार कर लो. And so he is instructing them to get comfortable, to behave in behave as they should in terms of giving their children in marriage, in building homes, in doing everything that would be considered normal living. और देखिए इस बात को जो है वहां पर वो बताते हैं कि आप जो है उस तरीके से अपने आप को तैयार कर लो, वहां पर शादी ब्याह करना पड़ेगा, जो है आपका घर बनाना पड़ेगा, उस तरीके से अपने आप को प्रस्तुति व तैयारी कर लो, 70 साल तक आपको वहां पर रहना होगा. He's saying multiply there, do not decrease in numbers because I'm going to visit you. और वहां पर इस बात को बताते हैं कि वहां जाओ तो तुम घट मत जाना, कमी तुम्हारे जो है बच्चे पैदाइश करने में कमी मत करना, तुम दिन बा दिन जो है बच्चों बच्चे पैदा करना और बढ़ते जाना क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में आने वाला हूं. Now there were prophets among the people that were saying, you know what, the Lord is going to bring us back, he's going to take us back right away, we're not going to be here very long, so don't get comfortable in Babylon. Don't think of yourselves as living in Babylon. You're Jews and you belong in the land of Judah. और आप देखिए जो है भविष्यवक्ता क्या कहते हैं कि आप जब वहां पर चले जाए तो फिर आप वहां पर रुकने व ठहरने की व्यवस्था बंदोबस्त मत करना. आप जो है कौन हैं? आप तो यहूदी हैं और आप यहूदा की ओर फिर से दोबारा लौट करके आने वाले हैं. But God is warning against these false prophets and saying, no, they have not spoken in my name. I did not tell them to tell you to get ready to leave. I did not get that. Oh, yes. So God is telling the prophets, the false prophets that are stirring up the people in Babylon, I did not speak through them. They are lying to you when they say that we will be leaving soon. और अब देखिए कि जो है परमेश्वर इस तरीके से उनको ये चिता रहे हैं कि मैं उस जो है झूठे भविष्यवक्ता है जो है मैं उनको कभी भी उनसे बात नहीं किया कि वे लोग आ करके गलत फहमी फैला रहे हैं कि तुम बहुत जल्दी यहाँ से रिहा हो करके घर वापस जाने वाले हो. मैं उनसे कभी बात नहीं किया, ऐसा मत सोचना. Now there's a practical application for us today in this scripture. और इस वचन में हम लोग देखते हैं कि हमारी व्यवहारिक जीवन के लिए कुछ ऐसे सिद्धांत सीख है. We expect the Lord's coming at any moment, and we should. और हम सब के सब जो है प्रभु यीशु मसीह की आगमन का इंतजार करते हैं. हाँ, हमें करना भी चाहिए. We have no prophetic scripture that tells us that the period of the church is going to last only in a specific amount of time. As was the prophecy to Judah for 70 years. और जैसे कि जो है कलिशिया के लिए ऐसा भविष्यवाणी नहीं है कि इतना साल के बाद जो है कलिशिया उठा लिया जाएगा, ऐसा भविष्यवाणी नहीं है. जैसा कि यहूदा के लिए जो बाबिलोन में 70 साल तक वे लोग वहां पर रहेंगे, ऐसे भविष्यवाणी कलिशिया के लिए नहीं दी गई है. So we're completely right in saying that the Lord could come today and to be in a state of readiness for his coming today. और जो है हमें इस बात हम लोग जानते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, उसके लिए हमें तैयारी के साथ इंतजार करना है. Now over the course of the Christian age, the church age, there have been false prophets that have stood up and have said that the Lord's coming is going to be on such and such a date, and anything done after that moment is going to be pointless.
और जो है बहुत सारे ऐसे झूठे भविष्यवक्ताएं जो है दिखाई दिए हैं, वे लोग इस तरीके से भविष्यवाणी भी किए हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन इस दिन में होने वाली है और जो है आगे जा करके कुछ भी करो तो उसका सब काम व्यर्थ होगा, ऐसे भविष्यवाणी करने वाले झूठे भविष्यवक्ता भी दिखाई दिए हैं। A characteristic of these prophecies would be a separation of these people from the rest of society so that they are awaiting the Lord's coming, but separate from the world around them as that day approaches. और हम लोग क्या देख सकते हैं, उनका यही एक सोच और विचार ये है कि संसार के लोगों के साथ कलीसिया के लोगों को अलग करना, लेकिन क्या ऐसा संभव है? But that is not the purpose of the teaching of the rapture, for us to ignore the world around us. We are here to present the gospel to a dying world. And so we should be laboring in terms of reaching those who are lost. और क्या है कि जो है संसार के लोगों के साथ कलीसिया को अलग करना, ये सोच और विचार हमें नहीं रखना है, बल्कि हमारा सोच और विचार क्या होना है कि प्रभु यीशु मसीह का जो है आगमन के विषय में, उस शुभ संदेश के विषय में, ये जो खोई हुई संसार है, पाप में भरी हुई संसार को, हमें ये सुसमाचार को सुनाना, ये हमारी जो है कर्तव्य है। Hebrews chapter 12 teaches us that we are essentially living as exiles. We are seeking a city that is to come, but we are not in our home, and we are waiting for the Lord to come and take us to his Father's house. और जो है इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय में इस तरीके से हम लोग देखते हैं, हम सब के सब जो है एक परदेशी हैं और ऐसे एक जो है नगर का इंतजार हम लोग कर रहे हैं और उस पिता परमेश्वर, उस प्रभु यीशु मसीह की आगमन का इंतजार कर रहे हैं, जिस शहर में, जिस जगह में, जिस नगर में वो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे ले जाने वाला है। I want to point out especially Jeremiah 29, verse 7. Let's read it again one more time. मैं जो है वास्तव में आप लोगों को एक और बार चिताना चाहता हूँ, एक और बार पढ़ाना चाहता हूँ, यिर्मयाह का पुस्तक उसका 29वां अध्याय और 7वां पद। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। This is the attitude that a Christian should have to the nation in which they find themselves. और यही एक स्वभाव, यही एक सोच और विचार एक मसीह व्यक्ति के जीवन में होने की आवश्यकता है। Our city is in heaven. Our citizenship is in heaven. हमारा नागरिकता जो है स्वर्ग में है। No doubt you've heard this many times spoken by your own elders and teachers in India. और जो है मैं इस बात का जो है संदेह नहीं करता और इसका कोई संदेह ही नहीं है कि भारत में बहुत सारे ऐसे एल्डर है, शिक्षक है, उनका मुंह से भी, उनका शिक्षा से भी आप लोग ऐसे बातों को बहुत बार सुने होंगे। But as we've read together already in Romans chapter 13, in the beginning part of the chapter, and also 1 Peter chapter 2, we have a responsibility towards human government in which we find ourselves. और जैसे कि इस वचन को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, रोमियो उसका 13 अध्याय और पहला और दूसरी आयत को, और उसके साथ साथ पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय में, जो है हमारा भी एक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार जो बनी हुई है उन सरकारों का नियम और कानून व्यवस्था को आप और मैं पालन करें। More than just a respect and more than just a submission as citizens of this world, but we also are instructed to pray for the authorities that are in power. और हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो है हमारे जो सरकारें हैं, हमारे जो राजनेता हैं, उनका आज्ञा को पालन करना उतना ही नहीं हमारा कर्तव्य है, बल्कि हमारे सरकारों के लिए हमें प्रार्थना भी करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन हमें ये शिक्षा देती है। We are instructed to be in prayer for governments that we are in subjection to, so that they might be godly
and so that there might be freedom for the gospel. और हमें इसीलिए प्रार्थना करने की जरूरत है हमारा सरकार के लिए कि वे लोग परमेश्वर का भय मान करके जो है शासन करें और उसके साथ साथ वे हमें उस सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमें आजादी दे. So we aren't permitted as Christians to display rebelliousness or to take upon ourselves an attitude that says we'll have nothing to do with you. और जो है हमें इस बात के लिए मना की गई है कि हम जो है इस तरीके से प्रतिक्रिया ना दें, अरे तुम्हारे काम में मेरा कोई वास्ता नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं कुछ नहीं करना चाहता, तुम अपना काम कर लो, इस तरीके का स्वभाव हमें दिखाने के लिए मना किया गया है. And this is really how Daniel lived his life. He was someone who was at the beck and call of the king. He was someone who served the call of the king honorably. और यह ऐसे ही बात को हम लोग जो है दानियल का जीवन में हम लोग देखते हैं. दानियल जो है क्या किया है, बड़े आदर के साथ राजा को आदर करते हुए उस राजा का उसने सेवा किया है. And he was someone who actually prospered in the time of the occupation of Jerusalem of Judah by Babylon and the exile of their people. Daniel rose to a prominence within Babylon. और हम लोग क्या देख सकते हैं, वो इस परिस्थिति में था कि जो है यरूशलेम को जब गुलामी बनाई गई थी, यहूदा को जब गुलामी बनाया गया था, वो सब परिस्थिति को देखा था. और दानियल जो है क्या हुआ, ये सब घटना को देखने के बाद जब बाबुल में वो उसको ले लिया गया, वहां पर ऐसे एक स्थिति में ऊंचे पद में वो जो है स्थापित व स्थानांतरित हुआ था. नोटिस, दानियल डिड नॉट सीक दिस, दानियल डिड नॉट एक्टिवली प्रमोट हिमसेल्फ. The Lord promoted Daniel. It's the same situation with Joseph in the land of Egypt. The Lord promoted Joseph. और आप देखिए, जब बाबुल में दानियल जाते हैं, वहां पर जो है वो अपने आप को ऊंचे स्थान में रखने का, ऊंचे पद पाने के लिए उसने कभी भी प्रयास नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने उसको पदस्थ किया था. वैसे ही यूसुफ का जीवन को भी हम लोग देख सकते हैं. यूसुफ भी अपना जीवन में कोई बड़ा पद हासिल करने के लिए उसने कभी प्रयास नहीं किया, बल्कि परमेश्वर वहां पर जो है यूसुफ को भी पदस्थ किया था. And so it's a wonderful thing to see a person like Daniel, because of his devotion to his God and because of his unique gifting by God, to be raised up into places of prominence, not only among God's people, but also in society around him. और हम लोग क्या देख सकते हैं, दानियल का विषय में यदि देखें तो दानियल जो है क्या हुआ है, ना मसीह जगत में बा जो है प्रभु भय करने वाले लोगों के बीच में ही वो बढ़ा नहीं हुआ, बल्कि जो है उस शासन काल में जो अन्य जाति के लोग थे उनके बीच में भी बड़ा हुआ. क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भय और भक्ति वो कर रहे थे. Now, someone might say to me or say to us now, well, okay, then I'm going to go and run for office and I'm going to try to be part of the government. और जो है कुछ लोग आप लोगों में से ऐसा कह सकते हैं, ओके ठीक है, मैं जो है सरकार का काम करने लगूंगा और बहुत जल्दी दौड़ के जाऊंगा उस सरकार की जो है कार्य जो प्रक्रिया है उसमें जाकर के मैं भी शामिल हो जाता हूं. ऐसा सोच और विचार आपके मन में आ सकता है. You won't find me telling you, no, you can't do that. और जो है मैं जो है इस बात को आप लोगों को करते हुए मना नहीं कर सकता, आप ऐसा नहीं कर सकते. I'm not your spiritual guide. I'm not the Holy Spirit. You need to follow what God calls you to do, but I will give you one warning. और जो है मैं आपको इस बात को करने के लिए मना नहीं कर सकता. मैं आपका जो है आत्मिक अगवा नहीं हूं, मैं पवित्र आत्मा नहीं हूं, लेकिन यदि आप यदि करना चाहते हो तो मैं एक चेतावनी बा एक जो है बात आपको चिताना चाहता हूं. Moses was in a place politically, and we understand from the scripture spiritually, to have led the people of Israel out of the nation of Egypt before he ran for his life. Or hum log Moses was? Moses was in the right place politically. He was the son of the king. मोसा जो है एक ऐसी जगह में वो स्थापित था राजनीतिक तौर पर, और जो है
वो क्या है ना, आत्मिक तौर पर भी उस अपना जीवन को जो है बचाने के पहले ही ऐसे स्थिति में वो स्थापित था और वो इज़राइल को अगवाही वो कर सकता था. In order for Moses to lead his people, he actually had to disassociate himself from the government of that day. और क्या हुआ था ना, मूसा को जो है इज़राइल के लोगों का अगवाही करने के लिए उस सरकार से उसको अलग होना पड़ा था. So, I am not saying that saved people cannot serve in government. We are actually very thankful when they do. और जो है लोगों का सेवा करना, बस सरकार यदि दूसरों का सेवा करती है तो बहुत अच्छी बात है, उसका हम मना नहीं कर सकते और हमें इसके लिए धन्यवादी भी होना है. But just be very careful that it is God who is setting you up in those places rather than you by your own efforts to achieve that. और क्या होता है ना, परमेश्वर जो है आपको इस स्थिति में, इस जगह में आपको जो है स्थापित करता है जहां पर आप जो है परमेश्वर का लोगों का सेवा कर सकते हैं, परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं. ऐसे जगह में आप सभी लोगों को परमेश्वर ही स्थापित करता है. And if anyone aspires for political office, let me just say this. The moment that you find you must compromise your principles in order to be successful in politics, stop. Stop instantly and walk away. और क्या देख सकते हैं, जिस दिन जो है आप अपने आप को जो है एक ऊंचे पद में आप यदि रखना चाहते हैं और परमेश्वर का जो सिद्धांत है, व्यवस्था है, उसको यदि आप दरकिनार करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी दिन ही आप जो है उस राजनीतिक तंत्र को आप छोड़ दीजिए और उसमें से आप जो है चल करके दूसरी जगह चले जाइए. Because if Daniel chapter 5 is any indication, if God really wants you in a place of prominence, he will remove your opposition from you without any effort on your part. Pardon me, brother? Yeah, if God wants you in a place of prominence, a place of governance, Daniel chapter 5, the story of the lion's den, shows us that God will remove the opposition. We cannot compromise and say, okay, I'll go along with them just to survive. और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो है सरकार को प्रसन्न करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, अरे सरकार जो बोल रही है चलो ठीक है उनके साथ मैं मिल करके चलता हूँ. नहीं, आप जो है उसके खिलाफ भी जा सकते हैं. जैसे दानियल का पुस्तक उसका 5वां अध्याय में हम लोग देख सकते हैं, दानियल को जब जो है सिंह का उस गुफा में डाल दिया गया था, उसके कारण जो है सरकार के खिलाफ हो गए थे, इसीलिए उनको गुफा में जाना पड़ा था. Now, we've spent way too much time on an introduction, and we need to turn to Daniel's prayer. So let's read verses 3 to 10. और जो है हम लोग का परिचय में बहुत सारा समय हम लोग गुजार दिए हैं. आइए दानियल का पुस्तक उसका 9वां अध्याय 3रा पद से लेकर के 10वां पद तक हम लोग पढ़ लेते हैं. दानियल उसका 9वां अध्याय 3 से 10 पद. तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर कर के गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपास कर टाट पहन राख में बैठ कर वरदान मांगने लगा. मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप को अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता रहता है. हम लोगों ने तो पाप और कुटिलता और दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं को और नियमों को तोड़ दिया है और तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं हाकिमों पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे उनकी हमने नहीं सुनी. हे प्रभु तू धर्मी है परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम के निवासी आदि सब यहूदी क्या
समीप क्या दूर के सब इसराइली लोग जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरा किया था देश देश में बरबस कर दिया है, उन सबों को लज्जित होना पड़ता है। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं हाकिमों पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया का सागर चमा की खानी है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले तो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई। Okay. Very good. Daniel begins with confession. जो है बहुत अच्छी बात है, दानियल जो है सबसे पहले क्या करते हैं ना, अपनी बातों को कबूल करके, अपने पापों को कबूल करके इस बात को शुरू करते हैं। In his confession, he's very careful not to indict God for the wickedness of Israel. और हम लोग क्या देख सकते हैं, इज़राइल की उस दुष्टता के कारण परमेश्वर का विरोध वो नहीं करते। We reject in any way, shape, or form the idea that if people fall into sin, it is because God preordained for us to do so. हम इस बात को जो है नकारते हैं कि जो है यदि कोई लोग पाप में गिर जाते हैं, पाप में पड़ते हैं, तो लोगों का सोच और विचार ये भी होता है कि ये परमेश्वर सबसे पहले पूर्व योजना है, उस योजना के तहत ही लोग पाप करते हैं, परमेश्वर पूर्व निर्धारित कर चुके हैं, ऐसा सोच और विचार को हम नकारते हैं। Verse 6 and 7 make this so abundantly clear. We have not listened. और सातवां, छठवां और सातवां पद जो है बहुत साफ तरीके से यहां पर बताई गई है वो ये है कि हमने परमेश्वर यहोवा की बात को नहीं सुनी है। To you God belongs righteousness, to us belongs open shame. और क्या है, परमेश्वर तेरे को वो धार्मिकता जो है तेरे ओर से है, तू ही धर्मी है, लेकिन उस धर्म का काम हम लोग नहीं किए, इसीलिए आज जो है लज्जित हमें होना पड़ता है। And verse 9 makes it abundantly clear that the nation of Israel has rebelled against God. और नौवां पद जो है बहुत साफ तरीके से बताई गई है कि इज़राइल के लोग परमेश्वर का विरोध आचरण किया है। If it is true that every act that we commit is foreordained by God, including our sin, then there is no such thing as rebelliousness. और यदि ये बात सच है कि जो कुछ भी हम पाप करते हैं, व्यक्तिगत रूप से हम पाप भी करते हैं, ये सब कुछ जो है परमेश्वर की ओर से पूर्व निर्धारित है, तो ये परमेश्वर का विरोध नहीं हो सकता। We could not say, as in verse 11, that we have refused to obey God's voice. और जो है हम जैसे कि 11 पद में कही गई है कि हम लोग जो है परमेश्वर का उस व्यवस्था को पालन करने से हम जो है उल्लंघन किया है, हमने इस बात को नहीं माना है, इस बात का कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। Because if every act that we do is preordained by God, then we are simply following the leadership of God's Holy Spirit into whatever sins or good things that we commit. और यदि ऐसा है कि हम जो है परमेश्वर पहले से ही पूर्व योजना के तहत सब कुछ स्थापित कर चुका है, हमारे जीवन में क्या होगा या फिर हम कौन सी पाप करेंगे, यदि पूर्व निर्धारित हो चुका है तो जो है परमेश्वर एक अगुवे है और उनकी अगुवे के नीचे हम सब के सब अगुवाई होते हुए जा रहे हैं। Could I just say that those who teach such a doctrine that God foreordains everything that we do, either good or bad, really believe in a very small God? और क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या? और मैं ये कहना भी चाहता हूँ, कोई ऐसा शिक्षा यदि देता है कि परमेश्वर क्या करता है ना, पूर्व निर्धारित के तहत परमेश्वर पहले से ही जानता है कि हम कौन सा पाप करने वाले हैं और जो है हम कैसे रहने वाले हैं, ऐसे पूर्व निर्धारित परमेश्वर का योजना यदि परमेश्वर ने लिख दिया है उसके अनुसार यदि चलते हैं, ऐसा शिक्षाओं को कोई यदि देता है
तो वो लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा परमेश्वर वा एक जो ईश्वर महान है उस महानता को वो कमजोर समझ रहे हैं, छोटा ईश्वर के ऊपर वे लोग विश्वास करते हैं। Really, the sovereignty of God is demonstrated that God's purposes continue despite the fact that people and angels rebel against him. और क्या होता है ना, परमेश्वर की जो सार्वभौमिकता जो है, परमेश्वर सब कुछ देखता है, जानता है ये विषय, भले स्वर्ग का दूत या फिर इंसान कोई पाप करे उसके विरोध में जाए, फिर भी परमेश्वर की उस सार्वभौमिकता कार्यरत है। So God does not need to orchestrate sin in order for his plans to be fulfilled. His plans will be fulfilled despite sin. और क्या होता है, परमेश्वर जो है उस पाप होने को रोक करके अपने कामों को जो है पूरा करेगा, ऐसा नहीं है, भले पाप होता जाए फिर भी परमेश्वर की कार्य जो है सफल होगा, उसका काम कभी नहीं रुकेगा। Now, let's read verses 12 through 15, please. आइए हम लोग जो है दानियल का पुस्तक उसका 9वां अध्याय 12 पद से लेकर के 15 पद तक हम लोग पढ़ लेते हैं। दानियल 9 का 12 से 15। ओके, दानियल 9 अध्याय 12 से 15। सो उसने हमारे और न्यायियों के विषय में जो वचन कहे थे उन्हें यरूशलेम पर पड़ी है, वैसी ही सारी धरती यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है, तो भी हम अपने मानने के लिए न तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और न तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्तियां डाली हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। ओके, इन दीज वर्सेस वी सी दैट डैनियल इज अफर्मिंग the words of God that were written in the book of the law of Moses. और यहाँ पर जो है दानियल इस बात को बता रहे हैं कि जो जो विषय दानियल का जो है मूसा का उस व्यवस्था में लिखी गई है, उन व्यवस्थाओं की वचन को फिर से यहाँ पर दोहरा करके प्रमाणित करते हैं। As we said at the beginning of the Bible study, it is clear to us that Daniel is a reader of God's words. जैसे कि पहले से ही हमने कहा है कि दानियल एक ऐसा व्यक्ति है, वो परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने वाला एक व्यक्ति है। Daniel references the fact that God brought Israel out of Egypt with a mighty hand. Some network issue is there, brother. I'm here. Okay, good. No problem. Daniel refers to the fact that God brought his people out of Egypt. Some network issue is there. Can I change my network? Please give me one. Yes, minute. Please. Go ahead. Sir, if you have any problem, may I translate? Please go ahead, Deepu. Yes, sir. Okay, we'll go ahead. So Daniel is referring to the fact that God brought the nation of Israel out of the land of Egypt. और दानियल जो है उस सच्चाई को बताना चाहते हैं कि परमेश्वर जो है इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल करके लाए हैं। And so Daniel is affirming what God has said in the past. He is reminding himself of the written word of God and the history of his nation. और उनके जो इतिहास के बारे में जो परमेश्वर का वचन है वो जो लिखा हुआ है उस बात को फिर से दोहरा करके उनको याद दिला रहे हैं और अपने आप को स्मरण दिला रहे हैं कि वो परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचन थे। All right, Sabir, ready? Yes, I'm ready. Okay, good. Thank you, Deepu. Always a pleasure to hear you. Yes, thank you so much, Sam, here. Okay, so two things that are important for us in prayer is confession of sin and a meditation on God's words.
और जो है प्रार्थना में दो ऐसे विषय हैं बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हमारे पापों को कबूलना और परमेश्वर का वचन को मनन करना। All right. Some people may say, well, you know what, I pray every day, but I rarely read. और जो है बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैं तो प्रार्थना बहुत करता हूं लेकिन कम परमेश्वर का वचन अध्ययन करता हूं। Well, you know what, when God has a conversation with us, he speaks to us in his word and we speak to him in prayer. और जैसे कि जो है हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन से जो है परमेश्वर हमें बात करते हैं और प्रार्थना के जरिए परमेश्वर से आप और मैं बातें करते हैं। One thing that I have learned, and I'm not saying that this applies to God, but it is a principle in general. I've learned that in sales, repeating what a customer has said to me is one of the most pleasing things that they can hear. और क्या हम लोग देख सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना जो खरीदने वाले लोग हैं ऐसे लोगों को जो बात बहुत पसंद आती है ऐसी बातों को जो है वे लोग छपवाते हैं और उस तरीके की बातें करते हैं ताकि वो लोग ज्यादा सेल कर सकें। Now, it's a crude analogy because speaking to the God of heaven is not the same as speaking to a fellow human being. तो जो है ये बहुत ही जो है समझने वाली बात है कि एक मनुष्य को हम लोग जिस तरीके से बातें करते हैं ऐसे ही परमेश्वर से आप और मैं बातें नहीं कर सकते। However, God rejoices to hear us speaking his words back to him. He loves this. और जैसे कि परमेश्वर जो है इस बातों को वो सुनना बहुत पसंद करेगा जो जो बातें जो जो वचन परमेश्वर ने कही है उन वचनों को यदि परमेश्वर के सामने आप और मैं जाकर के सुनाएं तो परमेश्वर बहुत ही खुश होंगे। And so Daniel is really speaking to God and he's saying, this is what you have said, these are your words, and I'm acknowledging that they are true. और देखिए दानियल क्या कहते हैं, प्रभु ये तेरा वचन है, आपने प्रभु ऐसे वचन ऐसी बातें कही है, इस बात को मैं मानता हूं करके दानियल उन वचनों को जो है स्मरण कर करके परमेश्वर के सामने वो बताते हैं, स्मरण दिलाते हैं। And we acknowledge the sovereignty of God when we speak to him and remind him of the things that he has said and say, surely these words have come to pass as you have said them to, that they will. और जैसे कि परमेश्वर का वचन को हम दोहराते हैं, उस परमेश्वर का उस सार्वभौमिकता को हम जो है परमेश्वर को स्मरण दिलाते हैं, इस बात को हम कबूलते हैं, प्रभु आपने ऐसे ऐसी बातें कही है और मैं मानता हूँ मैं कबूलता हूँ, इस बात को जो है हम कहते हैं जब परमेश्वर का वचन को आप और मैं दोहराते हैं। Okay, quick question, Sabir, when are we going till? Until 8 o'clock. Okay, so another 8 minutes. Yes. Okay, so the 70-week prophecy will not be for today. All right, next week we can complete on Wednesday. Yeah, okay. Let's look at verses 16 through 19, please. अभी आइए हम लोग जो है 16 पद से लेकर के 19 आयत तक हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा और हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है, तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं सो अपने धर्म के काम पर नहीं वरन तेरी बड़ी दया के काम पर भरोसा रख कर करते हैं। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो जो करता है उसे कर विलंब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर
और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। इस प्रकार में प्रार्थना करता है और अपने अपने और अपने इसराइली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता था, करता ही था। All right. Here we see that Daniel begins to intercede on behalf of his people. Yes, brother, some network issue. Once again, would you repeat? Yeah, sure. We see here that Daniel begins to intercede on behalf of his people. और यहाँ पर हम लोग दानियल को देखते हैं कि अपने लोगों के बदले जो है वो परमेश्वर के सामने जा करके वो जो है विनती करते हैं। And so he's appealing to the mercy of God so that God's anger may be turned away. और वो परमेश्वर के पास जा करके वो ये विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं कि परमेश्वर का जो क्रोध है उन लोगों के ऊपर है वो शायद हट जाए। Notice he does not say, we've done our time, we've served our 70 years, we have paid for our sins. और अब देखिए प्रभु, हम लोग जो है हमारे पापों का उस परिणाम को हम भुगत चुके हैं, 70 साल पूरा हो चुका है, ऐसा वो नहीं कहते, लेकिन हमने जो पाप किया है उसका पाप का जो है परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं, ऐसी बातें को वो करते हैं। The 70 years was a judgment, but it was not a penal judgment in the sense that when the 70 years was over, God would say, okay, those sins are now paid for, atoned for, and now I can send you back. और जो है ऐसा नहीं था, चलो 70 साल हो चुका है, तुम्हारा जो पाप थी उस पाप का परिणाम खत्म हो चुकी है, उसकी दंड भी खत्म हो चुके हैं, अभी मैं तुम लोगों को जो है ले चलता हूं, ऐसा नहीं है। Instead, the 70 years were a period in which God was going to demonstrate his power to remove the nation if he chose. और ये जो 70 साल के बाद परमेश्वर ये सामर्थ को वो दिखाना चाहते थे वो ये था कि जो सबसे शक्तिशाली वो जो देश है गुलामी बना करके लेके गई थी, उन देशों को अधिकार को वो छीन करके दूसरे देशों को भी वो स्थापित कर सकता है, अपना सामर्थ को वो दिखाने के लिए ऐसा किया। In fact, it is a precursor to the day in which we find ourselves, in which the nation of Israel has been set aside for a temporary period of time. और हम लोग क्या देख सकते हैं, एक ऐसा दिन है कुछ समय के लिए इज़राइल का देश को जो है परमेश्वर ने अलग करके रखा था। What happened for 70 years has now been occurring for 2000 years. और आप देखिए वो जो 70 साल की घटना अभी वर्तमान में 2000 वर्ष तक हो रही है। And in fact, the prophecy that is going to come at the hand of Gabriel is going to identify the fact that God is going to put a pause on some of his dealings with the nation of Israel. और आप देखिए जो भविष्यवाणी वापस दोबारा गैब्रियल के जरिए जो है जिब्राइल के जरिए जो आता है वो भविष्यवाणी जो होने वाली थी उस भविष्यवाणी को कुछ समय के लिए परमेश्वर स्थगित करते हैं। The 62 weeks that are mentioned, each week is a Sabbath of years. So each week is 7 years. That 62 times 7 years is the period of time between Zechariah the prophet and John the Baptist. और हम लोग क्या देख सकते हैं, जो 62 सप्ताह होती है, एक सप्ताह 7 साल को वो जो है दर्शाता है। वो घटनाक्रम को हम यदि देखें, तो फिर जो है जकरिया का दिन से लेकर के बपतिस्मा देने वाला यहोना के दिन तक जो है वो घटना होती है। In actual fact, that 62 weeks ends with the triumphal entry of the Lord into Jerusalem. और जो है हम लोग क्या देख सकते हैं, 62 सप्ताह कब खत्म होती है, कि प्रभु यीशु मसीह का जो है यरूशलेम में जो विजय यात्रा करके प्रवेश करते हैं वही पर 62 सप्ताह समाप्त होता है। But in that last 62nd week, in the last of the 69 weeks, this is the time period in which John the Baptist and the Lord Jesus were in their public ministry.
pardon me, I did not get. Yeah, that at the end of the 69 weeks, that final week, not the 70th week, but the 69th week is when John the Baptist and the Lord Jesus were in their public ministry. और हम लोग क्या देख सकते हैं ना जो है जो 69वां जो सप्ताह है बस 69th week हम लोग जो सप्ताह कहते हैं वो जो समय था वो समय क्या है ना बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना और प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई का समय को दर्शाता है For 400 years God's voice had been silent to the nation और हम लोग यदि देखें तो करीबन 400 साल तक परमेश्वर की आवाज परमेश्वर की वाणी जो है शांत रहा कहीं पर परमेश्वर की वाणी सुनाई नहीं दिया Now getting back to Daniel, Daniel's interceding on behalf of the people of God and he is appealing to God's mercy and appealing to God's testimony in his sanctuary. और हम लोग जो है दानियल के और जब हम लौट करके आते हैं दानियल जो है क्या करते हैं परमेश्वर की उस करुणा के लिए जो है याचना करते हैं परमेश्वर की उस दया के लिए वो याचना करते हैं Daniel acknowledges that he is not pleading with God because of the nation's righteousness, but because of God's mercy. और जो है दानियल क्या करते हैं परमेश्वर से गुजारिश इसीलिए नहीं करते कि जो है इज़राइल के लोग बहुत धार्मिक है और परमेश्वर के पास जाकर के इसीलिए वो गुजारिश करते हैं क्योंकि परमेश्वर करुणामय है And he appeals to God to no longer delay but to uncover the captivity of his people for God's own sake because of his name और क्या देख सकते हैं दानियल इस तरीके से गुजारिश करते हैं प्रभु जो है जल्दी से जल्दी हमें रिहा कराई है हमें जो है इस गुलामी से आजादी कराई है प्रभु आपके नाम के निमित्त आप आजाद कराइए करके परमेश्वर से दानियल गुजारिश करते हैं Two more minutes here. I just want to cap off what I'm trying to say. If we wish to have God's answer in our lives, it is important that we seek the glory of God in the answer. और यदि हम परमेश्वर का उत्तर परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं तो जो है हमारी प्रार्थनाओं में परमेश्वर की महिमा के लिए ही हमें जो है प्रार्थना करने की आवश्यकता है गुजारिश करने की आवश्यकता है It's not wrong to seek for our own benefit and our own blessing. A child knows to appeal to the father who can give good gifts. और हम लोग क्या देख सकते हैं ये अपनी खुद की बढ़ाई के लिए बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर से गुजारिश करना कोई गलत बात नहीं है एक बेटा जानता है अपना जो है पिता एक अच्छे अच्छे वरदान दे सकता है अच्छे दान दे सकता है एक बेटा अपने पिता के विषय में वो जानता है But the reason we have confidence to come to God with our request is because he is a good father and he wishes to demonstrate that he is a good father. और जो है कारण यह है कि हम हमारे पिता के पास इसीलिए जाते हैं गुजारिश करने के लिए क्योंकि हमारे पिता जो है बहुत एक अच्छे पिता है और अच्छे पिता की जो स्वभाव है वो प्रदर्शित कर सकते हैं. And so if you want your prayers to have power and for them to be answered, seek to present things to God for his glory as opportunities for him to demonstrate his power and we will stand in submissive wonder when he answers them as he chooses और मेरे प्यारो परमेश्वर के पास जाकर के जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की महिमा किस तरीके से हो सकता है और परमेश्वर अपनी सामर्थ को कैसे प्रकाश कर सकता है अपनी महिमा के निमित्त वो प्रकाश कर सकता है वो उत्तर दे सकता है उसके लिए आप जाकर के परमेश्वर के सामने गुजारिश करिए और इस तरीके का प्रार्थना करिए The Lord Jesus prayed this before going to the cross. Glorify me with the glory that I had with you before the world was. और प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ने से पहले इस तरीके का प्रार्थना किया था प्रभु जैसे कि स्वर्ग में हे पिता स्वर्ग में जैसे कि हम दोनों के बीच में जो महिमा थी ऐसे महिमा में तू ही महिमा पा करके प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं But before that he said glorify your name और उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके का विषय को प्रभु यीशु मसीह ने कहा था वो ये है प्रभु आपकी नाम का पिता आपका नाम का महिमा हो
And God did glorify him, gave him a name which is above every name. और हाँ, वास्तव में प्रभु का नाम का ही महिमा हुई और परमेश्वर ने ऐसा एक नाम दिया, सर्वोच्च नाम परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया. In our prayer lives, let us be submissive to the God who is above us as dear children who rely on his mercy, who have no expectations other than the fact that God will act in order to glorify himself. और जैसे कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, प्रार्थना जब हम लोग करते हैं, हमारी भरोसा और दृढ़ विश्वास जो है उसके ऊपर हो. हम जब परमेश्वर का भरोसा करते हैं, उसके नाम की महिमा हो, हम ये आशा और आकांक्षा ना रखें कि हमें कुछ मिले, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं के जरिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो. थैंक यू वेरी मच जेम्स सीकी. बहुत बहुत धन्यवाद जेम्स सीकी भाई. तो वी जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर द वंडरफुल मैसेज ब्रदर. It was really challenging and heart-touching that many of the times we seek our own glory and for our own benefit when we pray. But we see that a great confession of Daniel about the country's sin that he's confessing before the Lord. And he's praying, Lord, when you are redeeming, your name will be glorified. So that is what the prayer that he is doing. And another thing is that when he prays, he spells out God's word, whatever the thing that God has spoken, all those words that he is spelling before God so that God may be happy and God may be pleased. So that is what the thing that he is doing, and God's name be glorifying. So that is what the thing that Daniel is doing. It is true that we also should do. Pyare bhai aur behno, jo ye hamare kartavya ye hona chahiye. Daniel kya karte hain? जब वो प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के दरमियान वो यही, प्रभु आपका नाम का ही महिमा हो. प्रार्थना में प्रभु का नाम, परमेश्वर की नाम की महिमा वो देना चाहते हैं, और उसके साथ साथ जो परमेश्वर ने जो वचन दिया है उन वचनों को परमेश्वर के सामने दोहराते हैं ताकि वो परमेश्वर खुश हो. जो जो बातें परमेश्वर एक पिता सिखाता है, वही बात यदि हम अपने पिता के पास जा करके कहते हैं तो पिता बहुत खुश हो जाते हैं. पर टीचर जो कुछ सिखाता है उस टीचर के सामने वही बात हम लोग जा करके दोहराएंगे तो टीचर खुश होगा. वैसे ही दानियल ने किया, परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर का महिमा किया. आइए हम वैसे ही दानियल के समान एक प्रार्थनाशील व्यक्ति हो, परमेश्वर की नाम की महिमा करने वाले एक व्यक्ति बने. सभी लोगों को धन्यवाद. आप लोगों ने जुड़ा, ध्यानपूर्वक परमेश्वर का वचन को सुना, उसके लिए आप